हमारी ऑनलाइन क्लासेस के फिफ्थ वीक के फोर्थ डे के काम के साथ हम हाजिर हैं। गुज़िश्ता दिनों में हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते चले जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इस वक्त 1 से लेकर 100 तक पहले फॉरवर्ड काउंटिंग की, उसी की बैकवर्ड काउंटिंग 100 से लेकर 1 तक की, फिर हमने दूसरे दिन 100 1 से लेकर 200 तक बैकवर्ड काउंट फॉरवर्ड काउंटिंग की, और उसी की 200 से लेकर 101 तक की बैकवर्ड काउंटिंग की। फॉरवर्ड काउंटिंग 101 से 200 और बैकवर्ड काउंटिंग 200 से लेकर 101 तक। और आज हम करने जा रहे हैं 200 के आगे मजीद काउंटिंग। आप देख सकते हैं या बोर्ड पे हम कल की तरह काम करना शुरू कर रहे हैं। 200 हमने लिखा था आखिरी नंबर, 200 में एक 1 प्लस हो गया और ये बन गया 201। तो हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी 201। कल वाला तरीक़ाकार ही है बेटा, 200 कहती हूँ तो 100 की लाइन में 2 आ जाएगा, 1 कह रही हूँ तो यूनिट के नीचे 1 आ जाएगा, जो जगह खाली रहेगी वहाँ 0। 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 एंड 210। जो कुछ मैं लैंग्वेज में नंबरों को पुकार रही हूँ बेसिकली काम यही है, याद करने वाला, लिखने वाला काम भी सीख रहे हैं, लेकिन नंबरों को, इन नंबर्स को, इन आदाद को क्या कहा जाता है वो आपको ज़रूर याद करना चाहिए, ठीक है। 211, तो 100 की जगह पे 2 और फिर 11 में 110, 1 यूनिट। 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 and 270। वही काउंटिंग है, उसके आगे मैं 200 200 200 बढ़ाती चली जा रही हूँ। 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 and 290.
200, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 के बाद 100, 199 के बाद 200 और 299 के बाद 300। तो ये हमारी पूरी असेंडिंग ऑर्डर में 201 से लेके 300 तक की काउंटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ हमारे पास कहाँ से काम शुरू होगा? 300 से शुरू होगा। तो फिर 200, 201, 202, 204, 203, 204, 205, 204, 203, 204, 205, 206, 205, 204, 203, 204, 205, 206, 205, 204, 203, 204, 205, 206, 205, 204, 203, 204, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206, 205, 206,
209, 209, 209, 209, 209 और आगे नॉर्मली 210। ये हमारा आज का बेटा मुकम्मल हुआ। देखें कल से हमारी ईद उल अज़हा की इंशाअल्लाह छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो हम ये करते हैं होमवर्क थोड़ा सा आपको बढ़ा के देते हैं। ये काम जो हमने किया है वो पेज नंबर 40 पे आपकी बुक के मौजूद है, ठीक है, और इस पर आपने 201 से लेकर 300 तक करना है, और 239 पे मौजूद है 300 से 201 का काम जो मैंने बोर्ड पे सिखाया। खुद से अब आप करेंगे पेज नंबर 41 पे मौजूद है बेटा 301 से लेके 400 तक का काम, ठीक है, और उसके अगले पेज पे मौजूद है 401 से लेके 500 तक का काम। तरीक़ेकार यही है जो मैंने आपको सिखाया है, इसी तरतीब से आप आगे बढ़ाते जाएंगे और अपना ये काम मुकम्मल करेंगे। इसी तरह से बैकवर्ड काउंटिंग के लिए पेज नंबर 50 पे काम मौजूद है
400 से लेके 301 बैकवर्ड काउंटिंग, और इसी पेज पे 500 से लेके 401 की बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, ये क्योंकि आपकी 10 दिन की छुट्टियां हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 10 दिनों में ये काम आप आराम से कर सकेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होमवर्क नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क मैंने इसलिए दिया है, 2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा और छुट्टियाँ हैं 10 दिन की आपकी। ठीक है, मैं आपको कॉपी भी दिखा देती हूँ, देख सकते हैं बेटा आप, हमने अभी जो काम किया वो 301 से लेके हमने आपको काम दिया है 201 से लेके 300 का काम जो आज अभी क्लास में हमने करवाया। ठीक है, तो आपने ये काम भी करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने 301 का भी काम करना है, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ये पेज भी आपका होमवर्क में चला जाएगा और ये पेज भी होमवर्क में चला जाएगा, यानी 500 तक की गिनती मुकम्मल करनी है आपने। पेज नंबर 42 पे आ गई है 500 तक की गिनती। ठीक है, और इसके अलावा जो होमवर्क बैकवर्ड काउंटिंग वाला है वो आपका एक काम आपने ये करना है। ठीक है, 300 से 2 जो मैंने क्लास में करवाया है अभी, और इसके अलावा ये 2 काम आपने घर में मुकम्मल करने हैं। ये आपका होमवर्क है जो आप ईद-उल-अज़हा के 10 दिन की छुट्टियों में पूरा करेंगे, यानी 400 से 301 तक की काउंटिंग और 500 से 401 तक की काउंटिंग। इस होमवर्क को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए, होमवर्क को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए और आपको छुट्टियों में ये काम मुकम्मल करके 10 दिन के बाद फिर जब हमारी मुलाकात होगी हम इस काम की करेक्शन आपको ज़रूर दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कोई गलती होगी ही नहीं, अगर हो तो उस करेक्शन को देख के आप अपने काम में तसहीह कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी छुट्टियाँ बहुत मज़े की गुजरेंगी, अपने जानवरों के साथ खेलेंगे आप यकीनन, और इन ईद के दिनों में अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करेंगे। मामा अलैना।